हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां बालाकोट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद दे दिया बड़ा बयान बालाकोट हमले को लेकर। साथ ही गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश पर अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट से भड़क गया अपना भारत, दे दिया अब करारा जवाब। बताएंगे भारत ने क्या जवाब दिया तो वही बताएंगे। पाकिस्तान के स्कूली किताबों में हिंदुओं को लेकर क्या पढ़ाया जाता है हुआ सबसे बड़ा खुलासा, सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ अमित शाह जी को लेकर फेक वीडियो बनाने वाले केस में बड़ा एक्शन, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से लिंक निकल कर आया सामने, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की जहां पर बालाकोट हमले की जानकारी पहले ही पाकिस्तान को दी थी। जी हां, मोदी का सबसे बड़ा बयान कर्नाटक में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उन्होंने बालाकोट हमले की जानकारी सबसे पहले पाकिस्तान को दी थी। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र हुआ है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक के बागलकोट में इसके बारे में दावा करते हुए कहा कि उन्होंने इस हमले के बारे में सबसे पहले पाकिस्तान को सूचित किया और फिर जाकर दुनिया को जानकारी दी। मोदी पीछे से हमला नहीं करता, उन्होंने अपने चुनावी भाषण में कहा। मोदी पीछे से हमला करने में विश्वास नहीं रखता और खुलकर सामने आकर लड़ता है, आमने सामने से लड़ता है। मोदी ने कहा कि मैंने सुरक्षा बलों से कहा था कि वो मीडिया को बुलाकर इसकी जानकारी दे, लेकिन मैंने पहले कहा कि मैं पाकिस्तान को फोन के जरिए रात में हवाई हमले और उससे हुई तबाही के बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन पाकिस्तान के लोग फोन पर नहीं आए। मोदी ने आगे कहा कि मैंने सुरक्षा बलों को इंतजार करने के लिए कहा और उन्हें सूचित करने के बाद हमने बाद में रात के दौरान हुए हवाई हमलों के बारे में दुनिया के सामने खुलासा किया। मोदी जी ने कहा कि मोदी ना तो चीजें छिपाता है और ना ही छिपकर वार करता है, और वो जो करता है खुलकर करता है, सामने से करता है। पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे। पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में भारत के लड़ाकू विमानों ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया। जी हां, अब ऐसे में पीएम मोदी जी ने बहुत बड़ी ये जानकारी दी और बालाकोट पर पीएम मोदी जी ने खुद अपना बयान दिया। बहरहाल, अगर आप भी मानते हैं कि भारत की प्रवृत्ति हमेशा से ये रही है कि भारत ने हमेशा से आगे से किसी को छेड़ा नहीं और पीछे से किसी को छोड़ा भी नहीं है तो मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश पर अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट से भड़क गया अपना भारत, दिया करारा जवाब। जी, अमेरिका में रह रहे खालिस्तानी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में भारतीय अधिकारियों का हाथ था। इसके अलावा कनाडा में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारतीय एजेंट्स ने की थी। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में ये दावे किए गए हैं। इस पर भारत सरकार ने प्रतिक्रिया दी है और इसे आधारहीन एवं गलत करार दिया है। भारत का कहना है कि ऐसे गंभीर मामले में यह बेहद हल्की और आधारहीन रिपोर्ट पब्लिश हुई है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सीआरपीएफ के एक पूर्व अधिकारी के जरिए इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया था। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान आया है। उनका कहना है कि इस रिपोर्ट में गैर वाजिब बातें की गई हैं और उसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से पहले इस बारे में बात की गई थी और हमने उस पर एक जांच कमेटी गठित की है। हमने अमेरिका के उन इनपुट्स को भी लिया है जिसमें उसने कुछ आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से गठित हाई लेवल कमेटी जांच कर रही है, उसने अमेरिका की ओर से दिए सारे इनपुट्स को संज्ञान में लिया है और उनकी सत्यता की जांच हो रही है। ऐसे में इस बीच बेवजह की कयास लगाने और गैर जिम्मेदारी पूर्ण बयान देना ठीक नहीं होगा। तो वहीं बता दें, चीन ने समंदर में उतारा सुपर करियर युद्ध पोत, अमेरिका को छोड़ दुनिया में किसी देश के पास नहीं ऐसी ताकत। बता दें, चीन ने अपना पहला सुपर करियर समंदर में उतार दिया है। यह चीन का तीसरा विमान वाहक युद्ध पोत है जो अमेरिका से बाहर बना सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट करियर है। इसका नाम है फुजियान, जो चीन के प्रांत फुजियान के नाम पर रखा गया है। यह चीन का पहला कैटो बार एयरक्राफ्ट करियर है। तो वहीं बता दें, इंडियन नेवी के नए चीफ बने दिनेश कुमार त्रिपाठी। कहा, शत्रुओं से निपटने के लिए हर संभव तैयार रहे नौसेना। जी हां, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने नौसेना के 26वें प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के बाद मंगलवार को कहा कि भारतीय नौसेना को समुद्र में संभावित शत्रुओं से निपटने के लिए हर समय अभियान की दृष्टि से तैयार रहना होगा। संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ एडमिरल त्रिपाठी ने आर हरि कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद यह जिम्मेदारी संभाली है। एडमिरल हरि कुमार 4 दशकों के शानदार करियर के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। एडमिरल त्रिपाठी ने ऐसे समय में नौसेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली है जब लाल सागर और अदन की खाड़ी समेत अनेक रणनीतिक जलमार्गों पर सुरक्षा चुनौतियां पैदा हुई हैं, जिनमें क्षेत्र में हूती उग्रवादियों द्वारा विभिन्न कारोबारी जहाजों का निशाना बनाया जाना शामिल है। ऐसे में आप लोग भी इंडियन नेवी के बने नए चीफ दिनेश कुमार जी को कांग्रेचुलेशन कहना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, जापान के पीएम ने चुनाव में हार के बाद पद छोड़ने से किया
अधिकार किसके सिर फोड़ा ठीकड़ा बता दे। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद अपना पद छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मंगलवार को कहा कि रविवार को हुए उपचुनाव में उनकी सत्तारूढ़ पार्टी की बड़ी हार की वजह राजनीतिक भ्रष्टाचार और वो इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए पद नहीं छोड़ेंगे या पार्टी पदाधिकारियों को नहीं बदलेंगे। किशिदा ने कहा कि अपना पद छोड़ने के बजाय वो भ्रष्टाचार निरोधक उपायों और राजनीतिक सुधारों पर ध्यान देंगे। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा कि मैं चुनाव परिणामों को गंभीरता से लेता हूं और मेरा विश्वास है कि सत्तारूढ़ पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते हमें चुनौतियों से निपटना चाहिए और परिणाम हासिल करने चाहिए और इस तरह से मैं जिम्मेदारी लूंगा। किशिदा ने कहा कि मैं ऐसा करके जनता का विश्वास फिर से हासिल करूंगा। तो वहीं बता दे पश्चिमी अफगानिस्तान में हमला, नमाज के दौरान शिया मस्जिद में गोलीबारी, 6 नमाजियों की मौत। जी हां, पश्चिमी अफगानिस्तान में एक बंदूकधारी ने शिया मस्जिद के अंदर गोलीबारी कर 6 नमाजियों की हत्या कर दी। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि जिस वक्त मस्जिद के अंदर गोलीबारी की घटना हुई उस वक्त लोग नमाज पढ़ रहे थे। इस हमले में 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। तालिबान के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों और अफगानिस्तान के एक पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि हमलावर ने मस्जिद को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि ये शिया मस्जिद है। तालिबान के आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी के मुताबिक हमला सोमवार रात हेरात प्रांत के गुजरात जिले में हुआ। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जांच चल रही है, किसी ने तुरंत हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। इस हमले में एक अन्य उपासक भी घायल हो गया। तो वहीं बता दें एयरपोर्ट्स और उद्योग समूहों पर हमले की बड़ी धमकी, ईमेल मिलने के बाद अलर्ट पर सुरक्षा बल। जी हां, देश के विभिन्न एयरपोर्ट्स और टर्मिनल पर हमले की धमकी देने का मामला सामने आया है। ये धमकी टेररिस्ट 111 नामक संगठन के हवाले से दी गई है। संगठन द्वारा कई लोगों को ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई, जिसके बाद देश के सभी एयरपोर्ट्स और टर्मिनल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शीर्ष साइबर सिक्योरिटी और आईटी एजेंसियां संदिग्ध ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुट गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को सुबह करीब 9:30 बजे संदिग्ध ईमेल भेजा गया, जिसमें नागपुर एयरपोर्ट पर हमले का दावा किया गया था, जिसके बाद नागपुर सिटी पुलिस के कमिश्नर रविंद्र सिंगल और उनकी टीम तुरंत एयरपोर्ट पर पहुंची और शीर्ष अधिकारियों को अलर्ट किया। विस्फोट का पता लगाने वाली और विस्फोटक निष्क्रिय करने वाली टीमें तैनात कर दी गई। नागपुर के अलावा जयपुर और गोवा एयरपोर्ट को भी बम छुड़ाने की धमकी दी गई थी। तो वहीं बता दें पाकिस्तान के स्कूली किताबों में हिंदुओं को लेकर क्या पढ़ाया जाता है, लड़की ने लगाए गंभीर आरोप। दरअसल पाकिस्तान के स्कूली बच्चों को पाकिस्तान का शिक्षा विभाग हिंदुओं को काफिर और इंसानियत का दुश्मन बताने में लगा है। स्कूली बच्चों की किताबों में जैन, बौद्ध, सिख और हिंदुओं के खिलाफ या तो गलत जानकारी लिखी गई है या इनके खिलाफ लिखा गया है। जी हां, पाकिस्तान के कुछ युवाओं ने इस पर 2021 में बीबीसी से बात की थी। इनका आरोप था कि पाकिस्तान की सरकार ये सब जानबूझकर कर रही है, जिससे पाकिस्तान के बच्चों में हिंदुओं और सिखों के प्रति गलत धारणा बन सके। पाकिस्तान की एक लड़की ने बीबीसी को बताया कि जब वो स्कूल टाइम में सोशल स्टडी की बुक पढ़ती थी तो उसमें लिखा था कि हिंदू लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। पुराने जमाने में वो अपनी बेटियों को मार देते थे और जमीन में दफन कर देते थे। एक दूसरे पाकिस्तानी युवक ने बताया कि उसके भांजे को स्कूल में पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब मूर्तियों की पूजा करने वाला होता है। जब वो घर आया तो अपने पिता से पूछा कि क्या हम काफिर हैं, तो एक युवक ने बताया कि 11वीं और 12वीं के लिए एक किताब है जिसमें लिखा है कि इंसानी दुश्मन हिंदू और सिखों ने हजारों क्या लाखों महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों की बेदर्दी से कत्ल किया। यानी कि इस तरीके से भ्रामक चीजें पढ़ाई जाती है पाकिस्तानी बच्चों को हिंदू समुदाय के बारे में, हिंदू लोगों के बारे में। इस पर दोस्तों आपकी क्या निजी राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या आपको नहीं लगता कि यही सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान आज भारत से पीछे गर्त में जाकर बैठा है? तो वहीं आपको बता दें अमित शाह के फेक वीडियो केस में बड़ा एक्शन, 2 अरेस्ट, आम आदमी पार्टी कांग्रेस से निकला लिंक। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में पुलिस हरकत में आ गई है। खबर है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों आम आदमी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी इससे जुड़े मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अहमदाबाद साइबर क्राइम टीम ने यह कार्रवाई की है। इससे पहले सोमवार को असम पुलिस ने भी कहा था कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसके पास से एक लैपटॉप और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए थे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने बताया था कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम रितोम सिंह है। जी हां, तो वहीं बता दें पीएम मोदी का भड़कती आत्मा वाले तंज पर शरद पवार का पलटवार, कहा मेरी उंगली पकड़कर राजनीति में आए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल यानी 29 अप्रैल पुणे में एक चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान शरद पवार पर निशाना साधते हुए उन्हें भड़कती आत्मा बताया था। उनकी इस टिप्पणी पर खुद शरद पवार समेत विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मोदी आजकल मुझ पर काफी गुस्सा है। एक वक्त उन्होंने कहा था कि वो मेरी उंगली पकड़कर राजनीति में आए, अब वो कह रहे हैं कि मैं भड़कती आत्मा हूँ। हाँ, मैं हूँ किसानों के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं, मेरे किसानों का दर्द बताने के लिए भटकता हूँ। महंगाई से आम आदमी परेशान है, ये बताने के लिए भटकता हूँ। एमवीए में शामिल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उन्हें अघोरी आत्मा बता दिया। राउत ने कहा कि पीएम मोदी की आत्मा
आत्मा दिल्ली से महाराष्ट्र आती है और फिर भटकती है। उनकी आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि 4 जून के बाद महाराष्ट्र बीजेपी के लिए शमशान की तरह हो जाएगा। इसीलिए मोदी की आत्मा भटक रही है महाराष्ट्र में। यह अघोरी आत्मा है मोदी की। बीजेपी का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में होगा, ऐसा अभद्र बयान दिया गया है यूबीटी के नेता संजय रावत के द्वारा। बहरहाल पीएम मोदी पर ऐसा अभद्र टिप्पणी पर आपकी क्या राय, आपका क्या जवाब होगा दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। एक चीज तो क्लियर है कि विपक्ष पूरे तरीके से बौखलाया हुआ है इस चुनाव को लेकर। क्या लगता है दोस्तों आपको, किसके नाम होगा ये लोकसभा 2024 का इलेक्शन, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ ये थी अभी की बड़ी खबरें। खबर कैसी लगी बताना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के इस वीडियो को दोस्तों भाइयों बहनों में शेयर करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के माध्यम से मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।